हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता का जो वियोग है वो आदि पुरुष में जिस गाने के थ्रू हमें दिखाया गया है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। सचेत टंडन ने इसे अपनी आवाज़ दी है और मनोज मुंतशिर ने इसमें अपने शब्दों को पिरोया है। गाने की शुरुआत जिन डायलॉग्स के साथ होती है, वाकई में बहुत मजा आता है उनको सुनने के बाद। मन ऐसा हो जाता है कि वाकई में आप उन पलों को आप जी रहे हैं, आप खुद उस जगह पे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल। खास बात यह है कि विजुअल्स के साथ जो शब्द चलते हैं गाने में, वो वाकई में बहुत मंत्रमुग्ध कर देंगे आपको। और इस बार ना VFX ने तो कमाल ही कर दिया, आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक मेरे मन में जो कुछ बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभास है वाकई में इस रोल में जरूर सूट नहीं हो पा रहे, और कृति सेनन ने लग तो रही है माता सीता, पर उन्होंने इस रोल को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया। ऐसा लगता नहीं है कि हम हमारी एंशियंट रामायण देख रहे हैं। और इसमें अगर प्रभास की जगह कोई और हीरो होता थोड़ा अच्छा लगता, कोई और भी, जैसे कार्तिक आर्यन हो, और भी बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, कोई भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का अपना अपना हो सकता है। लेकिन हाँ, ये गाना मुझे बहुत शानदार लगा और मैं हमेशा इसे सुनता रहूँगा, आगे तक सुनता रहूँगा। ये गाना हिस्टोरिकल गाना होगा मेरे लिए, क्योंकि कम से कम कल ही कल में मैं इसे 50 बार सुन चुका हूँ, उसके बाद ही मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और जब भी मैंने ये गाना सुना है ना, आंखें बंद करके सुना है और हमेशा मेरी आंखें भर आई। और मैं तो अपनी बात क्या करूँ, जबकि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है, सारे रिएक्शन चैनल्स है, वो भी इसे आंखें बंद करके सुन रहे थे। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं इसके, बोल शानदार है, म्यूजिक शानदार है, बीट्स शानदार है। 16 जून को जो फिल्म आ रही है आदि पुरुष, तो देखना होगा उसमें ये फिल्म क्या रंग दिखाती है, हमारी परंपरा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे इतिहास को ये किस तरह से दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना।